वर्क स्टार्ट करते हैं। ओके, तो कल जो सा था लेक्चर बनाया था हमने पोस्ट पे थोड़ा सा, और बताया था कि प्लगइन क्या होते हैं। आज हम बताएंगे थीम क्या होता है। तो मैं जा रहा हूँ अपेयरेंस पे, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर गूगल गया, गूगल में लिखा थीम, तो मैं थीम लिखता हूँ थीम वर्डप्रेस, ठीक है। तो वर्डप्रेस थीम में वो मुझे पहले ही बताएगा थीम फॉरेस्ट में, क्योंकि थीम फॉरेस्ट ही सबसे बड़ी वेबसाइट है, यहाँ पर थीम सेल होते हैं। बाकी अगर अपना प्लेटफॉर्म बनाना है तो बना लो, कोई इशू नहीं, ठीक है। यहाँ पर हम वर्डप्रेस पे थीम देखते हैं, तो ये वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस पे क्लिक किया तो बेशुमार थीम है, ये सारे पेड हैं, परचेज करने पड़ेंगे आपको, ठीक है, ये सारे परचेज करने पड़ेंगे, पर हमें अभी के लिए ये नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब हम वापस अपने एक्शन में जाते हैं। अब आपने क्या करना है, अपने पेरेंट्स पे जाना है, अब एड न्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। एड न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास बेशुमार किस्म के थीम आएंगे, ये देखो। अच्छा, हम जो थीम यूज़ करते हैं, हम क्यों थीम यूज़ करते हैं, वर्क तो हम हर थीम पे एक जैसा कर सकते हैं, पर हम थीम क्यों यूज़ करते हैं, थीम यूज़ इसलिए करते हैं अपनी आसानी के लिए। जो वर्क हमने 2-3 घंटे खुद लगा के बनाना है, वो हमें थीम प्रोवाइड कर देता है बिल्ट इन, ताकि आप इजीली वो वर्क कर सको, ठीक है। जैसे पॉपुलर थीम है, लेटर थीम है और फेवरेट है, तो ये सब थीम, ये चीज़ें हैं। तो अब ये काफ़ी सारे थीम हैं, बेशुमार थीम है, फ्री में है, ये सब फ्री है, ठीक है। इसके अंदर कुछ इनमें थीम ऐसे कुछ हैं जिनमें आपको पे करना पड़ता है प्रो लेने के लिए, मतलब आपको उसकी फंक्शनैलिटी अच्छी लग रही है तो आपको पे करना पड़ेगा प्रो वर्जन में जाने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास इस टाइम कौन कौन से हुए हैं, 20, ठीक है, 2019 हुआ है और 2020 हुआ है, ठीक है, दो थीम इंस्टॉल हुए हैं। बट मुझे अब कौन सा थीम चाहिए, मुझे जो थीम चाहिए वो है ओशन WP। ये ओशन WP पड़ा है, अगर नहीं आता तो यहाँ पर ओशन लिखना है और WP लिखना है, ठीक है। ओशन WP लिखोगे तो ये वाला थीम आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये थीम जो है मल्टीपल पर्पज़ के लिए है, ठीक है। मल्टीपल पर्पज़ के लिए ये होता है कि मतलब इसमें हर तरह की वेबसाइट डिवेल्प हो सके, ठीक है। और ये है क्या है, फ्री है, एक तो ये फ्री है, ऊपर से इसमें हर तरह की वेबसाइट डिवेल्प हो सकती है, ठीक है। तो बताऊंगा इंस्टॉल करके क्या चीज़ होती है, इसमें कौन सी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड है। तो अब अगर मैं इसे इंस्टॉल करता हूँ, ठीक है, तो इंस्टॉल होता है। असल में जो थीम होते हैं, ये बेसिकली कहाँ से हम परचेज करते हैं, क्या प्रोसेस है, क्यों हम परचेज करते हैं, हमें थीम परचेज करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हम हर थीम का जो सब, हम थीम फ्री में और पेड में मोस्टली यूज़ करते हैं, हम फंक्शनैलिटी देखते हैं एक कि उसमें फंक्शनैलिटी क्या प्रोवाइड की गई, एक तो ये देखते हैं। ऊपर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हम देखते हैं, वो देखते हैं उसका हैडर, ठीक है। हैडर उसने कितना प्यारा बनाया हुआ है, हैडर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें हैडर से पता लगता है कि ये थीम हमारे लिए परफेक्ट है, ठीक है। हम जब भी कोई थीम इंस्टॉल करते हैं या देखते हैं, एक्टिव अभी नहीं मैं कर रहा, मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको, अगर मुझे कोई वर्टिकल हेडर में चाहिए, मतलब कि मुझे कोई साइड बार में लेफ्ट साइड पे हेडर चाहिए, हेडर का मतलब होता है ये फर्स्ट वाला हेडर का तो आपको पता है, टॉप हेडर और बॉटम। टॉप हेडर कौन सा होता है, जहाँ पर आइकॉन लगे होते हैं और कुछ टेक्स्ट लिखा होता है, ठीक है, उससे नीचे क्या आता है, हेडर। अब अगर मुझे कोई हेडर अच्छी वाला चाहिए, मतलब मुझे लेफ्ट साइड पे चाहिए या कोई नीचे चाहिए, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो अगर मुझे इस तरह का हेडर चाहिए, ठीक है, माय रिज्यूम की तरह का, ठीक है। अब ये देखो इस साइड पे अगर मुझे ये हेडर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको डाउनलोड करूँगा। अगर मुझे कुछ हेडर इस तरह का चाहिए तो मैं ये डाउनलोड करूँ। अब ये शॉप है, शॉपिंग साइड है, अगर मुझे इस तरह कुछ चाहिए, ये देखो ये हेडर नीचे यहाँ पर आ रहा है, देख रहे, और यहाँ पर एक वो लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर आइकॉन लगा हुआ है, और ये सर्च बार है, ये आइकॉन है और लोगो, ठीक है, उसके बाद ये टॉप बार। अब मुझे ये चाहिए था, अब अगर साइड बार वाला भी देखते हैं, ये देखो ये साइड बार में आ गया। अगर मुझे इस साइड बार ये चाहिए होती तो मैं ये इंस्टॉल करता, बल्कि मुझे ये चाहिए भी, एक मैं इसका स्क्रीन शॉट ले लूँ, मेरा क्लाइंट ने इसमें ऑर्डर इस पर देना था, एक
मुझे उसने ऑर्डर भी दिया था कि इसी तरह का चाहिए, तो मैं इसको इंस्टॉल करूँगा फ्री में, मैं इसे इंस्टॉल करूँगा, मुझे फंक्शनैलिटी इतनी प्रोवाइड नहीं करनी, तो पेड़ का बताऊँगा पेड़ क्यों लेते हैं हम। ठीक है, अब ये है फंक्शनैलिटी। ये देखो ये हैडर सेंटर पे, अगर ये हम खुद बनाएं तो हमें काफ़ी देर लगेगी, तो इसलिए क्या है बिल्ट इन हमें हैडर इस तरह का बनाया हुआ प्रोवाइड हो गया है, तो हम इसे यूज़ कर लेंगे। ठीक है, ये देखो ये साइड बार है, साइड बार हैडर। ठीक है, मतलब अब आपको क्लियर हो गया कि हम किसको देखते हुए अपना परचेज करते हैं, देखते हैं मतलब इंस्टॉल करते हैं अपना थीम। अब फ्री में हम जो थीम इंस्टॉल करते हैं इसी तरह से इंस्टॉल करते हैं। ये देखो उन्होंने कितना प्यारा हेडर बनाया हुआ है, एक ओवर बनाया उसके ऊपर नीचे थोड़ा सा उसका टच दिया है, थोड़ा सा उसे ऊपर कर दिया। जी सर, ये क्लाइंट की भी होती है रिक्वायरमेंट कि मुझे ऐसे हेडर चाहिए एक साइड पे या फिर? हाँ, तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बता रहा हूँ मैं आपको। अगर वो भी अगर चाह रहे हैं ना कि मुझे ऐसी वेबसाइट, अगर वो ये नहीं कहेगा आपको कि मुझे ये वाला प्लगइन ये थीम चाहिए, ये वो थीम आपने खुद ढूंढना है। ठीक है, अगर वो वेबसाइट बनाने के लिए देता है तो थीम आपने खुद ढूंढना है। अगर वो कहते हैं ना कि मैंने ये थीम परचेज कर ली, इसे कस्टमाइज कर दो, फिर आप उसको सिर्फ चेंजिंग करते हो। ठीक है, अदरवाइज वो बाद में बता दूंगा आपको, जब करेंगे काम तो ऐसा ऐसा हर चीज़ बता दूंगा। अदरवाइज हमें क्या होता है, अगर क्लाइंट आपको अगर PDF अगर आपको इमेज दे देता है ना कोई, बाद में सारा कुछ क्लियर कर दूंगा, इमेज देता है उसकी वेब की, मतलब किसी वेबसाइट का। अब देखो अगर वो इमेज दे देता है आपको, कह देता है ये इमेज है तो ये मेरा वेब पेज है, ये मुझे बना के दो। ठीक है, अगर तो आपके पास वो चीज़ नहीं मिल रही, ये देखो ये पेज है मुझे ये बना के दो, अगर तो वो आपके पास फैसिलिटी चीज़ें नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप उसको कहोगे, आप रिसर्च करोगे उसके बारे में, आप उसको कहोगे मुझे ये थीम परचेज कर दो, ये फ्री में थीम में नहीं है फैसिलिटी। ठीक है, वो परचेज कर देगा, आपको परचेज करके देगा। अदरवाइज अगर है तो आप फ्री में यूज़ कर लो, अगर आप टाइम बचाना चाह रहे हो तो आप उसको पेड़ ले लो, बात ही खत्म होगी। अब ये देखो कितना प्यारा उसने हेडर बनाया हुआ, ये देखो ये वाला देखो उसमें पत्ते आ रहे हैं, तो ये देखो ये हेडर कितना लग्जरी है, ये हम अगर बनाते हमें कितनी देर लगनी थी इसे बनाने में, बहुत देर लगनी थी, तो उन्होंने क्या किया बिल्ट इन हेडर बना हुआ ऐसा। ठीक है, बाकी फंक्शनैलिटी हम इसे नहीं देखते क्योंकि बाकी फंक्शनैलिटी को हम खुद भी डेवलप कर सकते हैं, बट हमें हेडर पे वर्क करना था, तो ये देखो हेडर इस तरह का बनाया हुआ है। तो अब हम वापस अपने लेक्चर में आ रहे हैं। अब जो सा मैंने थीम इंस्टॉल की, अब आप थीम में जाएंगे, मैंने वो इंस्टॉल कर लिया था पर एक्टिव नहीं किया, तो मैं आ रहा हूँ थीम पे। ठीक है, मैंने कौन सा इंस्टॉल किया था, ओशन WP। ठीक है, अब जब तक ये ऐसे नहीं होगा भी, जब तक मैं इसे एक्टिव नहीं करूँगा ना, ये यहाँ पर नहीं आएगा। जो थीम एक्टिव हो जाएगा वो आपका फर्स्ट पे आ जाएगा। ठीक है, एक टाइम पे एक थीम ही एक्टिव होता है, ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, अब ये एक्टिव हो गया, ये फर्स्ट पे आ गया, और ये भी आया अनएक्टिव, तो अगर इसको डिलीट, हम इसे डिलीट इसलिए कर देते हैं इन चीज़ों को क्योंकि हम बोझ नहीं रखना चाह रहे, हम कहते हैं हमारी वेबसाइट स्लो ना हो, हम इस तरह की जो इन एलिमेंट्स चीज़ें होती हैं वो डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने डिलीट कर दिया। हाँ, अब एक थीम एट अ टाइम, एक थीम एक ही रहेगा, वो नहीं डिलीट हो सकता, कौन सा जो था फर्स्ट थीम होगा वो डिलीट नहीं हो सकता, ये नहीं डिलीट हो सकता। अब ये देखो बिल्ट इन उसने कुछ खोल दिया। ठीक है, तो अब अगर आपने न्यू को इंस्टॉल करना है तो एड न्यू पे चले जाए। ठीक है, एड न्यू पे गया और यहाँ पर जो सा थीम लेना चाह रहे हो वो इंस्टॉल करो, फिर क्या होगा इसे अगर वैसे ही रहने दो, अनएक्टिव भी रहने दो, कोई इशू नहीं है। अगर मुझे ये चाहिए एस्ट्रा थीम भी बहुत अच्छा थीम है, तो फंक्शनैलिटीज की भी अच्छी है, तो बाकी डिस्कस बाद में करेंगे और प्रॉपर डिस्कस करेंगे। मैं एक्टिव नहीं करना चाह रहा अभी, तो मैं थीम में जा रहा हूँ, तो ये यहाँ पर पड़ा है। अगर कभी मुझे ज़रूरत पड़ेगी ना, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे थीम नहीं, इसमें पसंद नहीं आई फंक्शनैलिटी, तो मैं इस पर कन्वर्ट हो जाऊँगा, तो मैं इसको इंस्टॉल करूँगा। पर जब एक बार थीम इंस्टॉल कर लिया है, बाद में उसे चेंजिंग नहीं करनी, यानी कि अब एक थीम पे काम करना स्टार्ट कर दिया तो बाद में चेंजिंग नहीं करनी। ठीक है, हाँ अगर वो फंक्शनैलिटी उसमें नहीं है तो फिर आप करो, फिर आपको चेंजिंग करनी पड़ेगी। फिर ये होगा कि आपने जो पेजेस डेवलप किए हैं ना, वो भी सारे दोबारा से चेंजिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने जो पेज डेवलप किए हैं वो इस थीम के मुताबिक किए हैं, ना कि इसके, तो आपको दोबारा चेंजिंग करनी पड़ेगी। तो इसके ये काम हो गया थीम इंस्टॉल का। और एक और चीज़ है, अब एड न्यू पे जा रहा हूँ, अगर मैं अपलोड थीम, अगर आपके पास कोई थीम है तो आप फाइल चूज़ करके भी अपलोड कर सकते हो। एक और चीज़ है, यही जो वेबसाइट है, अगर मैं यहाँ पर गूगल पे ये लिखूँ wordpress.org, ठीक है, org में लिखता हूँ, तो
ये जो हम यूज़ कर रहे हैं ORG, ये देखो यहाँ पर थीम है, ये भी फ्री थीम है सारे, ये वही थीम है जो सा यहाँ पर आए हुए हैं, यही वाले सारे थीम अब हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। इसका क्या बेनिफिट है, अगर मैं ओशन डब्ल्यू पी ओपन करता हूँ तो शायद मुझे लास्ट पे उसके स्क्रीनशॉट मिल जाए, ये प्रीव्यू, तो प्रीव्यू मिल सकता है, देखने में मिल सकता है कि कैसा थीम है ये, अदरवाइज़ इधर नहीं दिखा रहे, नहीं दिखा रहे प्रीव्यू, नहीं दिखा रहे, अदरवाइज़ ये थीम मतलब इस तरह कुछ बना हुआ है, तो इसको भी करें इग्नोर, और मैं इसे भी कट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि यहाँ से डाउनलोड करके, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये देखो ये डब्ल्यू पी कहाँ गया, थीम में जाके कोई भी आप थीम यहाँ से डाउनलोड करो, ये डाउनलोड है, डाउनलोड किया आपके उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, और चूज फाइल्स में जाके इसको इंस्टॉल कर लो, बस सिंपल, बस इंस्टॉल करोगे वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अब हमें नहीं चाहिए, हमने ऑलरेडी कौन सा इंस्टॉल किया, ओशन डब्ल्यू पी, ठीक है, ओशन डब्ल्यू पी ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो अब मुझे क्या करना पड़ना है, अब मुझे कस्टमाइज में, अब अपनी साइट को पहले चेक कर लेते हैं, मेरी ये वेबसाइट थी, अब मैं रिफ्रेश करूँगा, सारा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा हर चीज़, सॉरी यू आर नॉट अलाउड टू परमिशन ड्राफ्ट प्रीव्यू ड्राफ्ट, ठीक है, तो वो कह रहा है अभी तो अब कर नहीं सकते, ठीक है, तो ये देखो मेरा स्ट्रक्चर सारा चेंज हो गया, कुछ इस तरह से मुझे दिखाने लग गया, ठीक है, सारा स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। अब हमने इस पर वर्क करना है, ये क्यों अब मुझे वो शो हो रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेन्यू बनाया हुआ, आपने भी जब करना है आपका भी ऐसे ही शो होगा, क्यों होगा, क्योंकि आपने भी ऑलरेडी मेन्यू बार बनाए हुए हैं, ठीक है, मेन्यू का बताया था मैंने, ये मेन्यू में जाएंगे और मेन्यू बना सकते हो, ठीक है। अब ये है कि इस मेन्यू में थोड़ी सी फंक्शनलिटी शायद उन्होंने ज़्यादा कर दी, अब ये देखो ये चीज़ें थोड़ा सा चेंज होगी, पहले कुछ और आ रहा था, अब उसमें क्या किया, टॉप बार, मेन्यू, फुटर और मोबाइल, अब यहाँ से वापस आ रहे हैं, ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है, तो अब हमने कहाँ जाना है, हमने जाना है कस्टमाइज, अब कस्टमाइज में हम फोन के हैं, कस्टमाइज में अब बहुत सारी चीज़ें आएंगी, पहले तो चार पांच ऑप्शन थे, अब काफ़ी बड़ी लिस्ट आएगी, अब काम करने का थोड़ा सा आपको भी मज़ा आएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी फंक्शनैलिटी है। अब देखो पहले थी तीन चार ऑप्शन, अब इसकी पास ऑप्शन कितनी है, काफ़ी बड़ी ऑप्शन है, ये देखो ये दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, ठीक है, 14 ऑप्शन है हमारे पास, अब जो सा काम करने का थोड़ा सा मज़ा आएगा, अब देखते हैं वन बाई वन सब देखते हैं। प्रीमियम अडोन है, क्या कहते हैं, परचेज करना चाह रहे हो तो प्रीमियम परचेज कर सकते हो, पर हमें नहीं चाहिए, हम इसको क्यों करें। साइड आइडेंटिटी क्या होती है, साइड आइडेंटिटी होती है आपका ब्रांड, ठीक है, ब्रांड, ब्रांड नेम टेक्निकल लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ लगाई हुई है, लगाए हुए, ठीक है, साइड आइडेंटिटी क्या होती है, आपका ब्रांड, अक्सर जगह साइड आइडेंटिटी लिखा होता है, अक्सर जगह ब्रांड लिखा होता है, तो ये चीज़ें आपको थीम में देखनी पड़नी है खुद, ठीक है, कोई भी थीम इंस्टॉल करोगे उसमें आपको डिफरेंट चीज़ें मिलेगी, हर चीज़, हर थीम एक जैसा नहीं होता, हर चीज़, हर थीम की डिवेलपिंग लेद होती है, पर सिर्फ ये होता है कि हमें काम करने का तरीका आ जाता है तो हम इजीली उसे पिक कर लेते हैं कि क्या चीज़ कहाँ पड़ी होगी, ठीक है। जैसा कि आप अगर थीम बनाए तो मुझे पता क्यों लग जाएगा, क्योंकि आप मुझे वर्क कब तय करना, ठीक है, मैं इजीली देख लूँगा, एक दो बार मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, पर मैं इजीली 5-10 मिनट में आपको कंप्लीट कर लूँगा, तो ऐसी तरह आप हो, आप अगर मेरा देखना चाह रहे हो तो आप इजीली देख सकते हो, ठीक है। मैंने क्या किया, सिलेक्ट लोगो, अगर तो आपके पास लोगो है तो आप सिलेक्ट लोगो करें, ठीक है, तो मैं थोड़ा लोगों को क्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है, बस इतना ही हो रहा है क्रॉप, ठीक है, तो मैंने क्रॉप किया। अब ये क्या लगा, ये क्या लिखा था, साइड आइकॉन, इसे क्या कहते हैं, साइड आइकॉन, ये कौन सा होता है, ब्रांड नेम है, ब्रांड नेम अगर चेंज करना चाह रहे हो तो चेंज करना चाह रहे हो तो कर दो, अदरवाइज जरूरत नहीं है, वेब टेक्निकल, ठीक है। अब ये जो लिखा हुआ है डिस्प्ले टाइटल एंड टैग, अगर आप कह रहे हो मैं नहीं डिस्प्ले कराना चाह रहा तो हिडन कर दो, यहाँ से गैप हो जाएगा, ठीक है, ये गैप हो गया, पर मैंने कहा अभी के लिए मुझे दिखा दो, बाद में चेंज कर लूँगा, ठीक है। अब ये क्या चीज़ थी, साइड आइकॉन क्या था, साइड आइकॉन उसने लिखा हुआ, साइड आइकॉन आर वर्ड यू वर्ड ब्राउज टैब बुकमार्क बार, ठीक है, इस साइड आइकॉन है, अक्सर जगह आपको इसका नेम आएगा फेबिकॉन, इसका नेम अक्सर जगह यूज़ किया जाता है, पेंट, पेंट ओपन करो, इसको अक्सर जगह हम यूज़ करते हैं फेबिकॉन के नेम से, फेबिकॉन, ठीक है, या फेबिकॉन है, फेबिकॉन के नाम से, ठीक है। ये होता क्या है, ये आपका, ये क्या होता है,
फेविकोन होता है, ये जो वर्ल्ड प्रेस लिखा हुआ आ रहा है ना, ये छोटा सा वर्ल्ड प्रेस, इसे कहते हैं फेविकोन। ठीक है, ये आपका क्या करता है, फेविकोन क्या करते हैं, अक्सर जगह साइड आइकॉन लिखा आएगा, अक्सर फेविकोन लिखा आएगा, ठीक है, और शायद इसका नेम और भी हो जाएगा, तो आपको सिलेक्ट इट आइकॉन लिखाएगा, मतलब इधर लोगो नहीं लिखाएगा, आइकॉन ही लिखाएगा, जब भी कोई भी यूज़ करेगा ना, कोई भी थीम होगा उसमें आइकॉन ही लिखाएगा। तो आपने क्या करना है, कोई भी आइकॉन जो सिलेक्ट करना है, जो सा आपका मोस्टली जो यूज़ करते हैं हम, लोगो ही यूज़ करते हैं साइड आइकॉन में, ठीक है, मोस्टली। मैंने क्रॉप किया और मैंने लगा दी, अब ये लग गया यहाँ पर, ये चीज़ यहाँ पर लगी, अच्छी इसलिए नहीं लग रही क्योंकि इसका बैकग्राउंड ब्लैक था, पर जब भी आप लोगो यूज़ करते हो, लोगो का बैकग्राउंड क्या होता है, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि लोगो में मतलब उसका कोई बैकग्राउंड नहीं होता, ठीक है, वो भी बनाना देखेंगे, देखेंगे। तो अभी के लिए ये देखें, अब ये लग गया साइड आइकॉन, ये देखो ये यहाँ पर वर्ल्ड प्रेस की जगह ये शो हो गया। अब मैं जैसे ही इसे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर भी चेंजिंग आ जाएगी, अभी नहीं आ रही, कुछ देर बाद चेंजिंग आ जाएगी, ठीक है, अगर यहाँ पर आ गई है तो यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है, तो इशू नहीं है। सर आपने पब्लिश नहीं किया? हाँ ठीक है, सही है, पब्लिश नहीं किया, सॉरी, ठीक है, आ गया, ठीक है। तो अब तो वापस आ रहा हूँ, अब ये कलर, कलर मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बता रहा है कि हेडर का कलर कौन सा, टेक्स्ट कलर कौन सा। ये देखो ये जो है ना, ये बिल्टिंग क्या आ रहा है, ब्लैक टाइप का आ रहा है, शेर मार है, तो अब उसको थोड़ा सा अगर हम कलर चेंज करना चाह रहे हैं, मैं ग्रीन लिखना चाह रहा हूँ, तो ग्रीन कलर हमने हेडर टेक्स्ट का कलर ग्रीन कर दिया, मोस्टली बेसिकली ये भी होना चाहिए था, ये क्यों नहीं हुआ बताऊंगा, क्यों नहीं हुआ, ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अगर मैं यहाँ पर और भी चीज़ें होती तो उसने इसी को भी ग्रीन करना था, बेसिकली ये भी ग्रीन हो गया हुआ है, ठीक है, ये सारा टोटली वो हेडर जो है, हेडर टेक्स्ट कलर, हेडर में क्या क्या आ रहा है, लोगो बार आ रहा है, मेन्यू बार आ रहा है, तो सारा हो गया कलर, पर ये क्यों आ रहा है, आगे जाके देखते हैं क्यों आया था ये कलर, क्यों बिल्ट इन रह रहे हैं, ठीक है, हेडर कलर हमारा क्या हो गया, ग्रीन। अब आया मेन्यू, मेन्यू कौन सा है, ये चीज़, ये 1 2 3 4 5 ये सारे आपके क्या है, मेन्यू। अब ये वही फंक्शनैलिटी है जो आप चाह रहे थे कि जो सी आप वहाँ जाके ऐड करते थे ना मेन्यू में, अगर आप एमरजेंसी मतलब फास्ट करना चाह रहे कुछ वर्क, मतलब ऑलरेडी आपने पेज डेवलप किए हैं, तो आप यहाँ से ड्रैग करें, ये देखो ये लिखा हुआ, अदरवाइज किसी में ड्रैग हो जाता है, किसी में ड्रैग नहीं होता, ठीक है, तो डिपेंड करता है थीम पे। यहाँ पर ये प्लस का निशान है, क्लिक कर दो तो यहाँ पर नीचे सर्विस का पेज बढ़ा दे, ठीक है, तो अदरवाइज हर किसी में डिफरेंट है, अगर डिलीट करना चाह रहे हो तो यहाँ से पेज भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है, अगर न्यू पोस्ट या कैटेगरी या टैग्स फॉर्मेट बनाना चाह रहे हो वो भी बन जाएगा, एंड न्यू पेजेस बनाना चाह रहे हो तो भी बन जाएगा, कस्टम लिंक बनाना चाह रहे हो कस्टम लिंक भी यहाँ से भी बन जाएगा, ठीक है, तो ये आप काम करोगे तो आपको तब ही इसमें थोड़ा पता लग जाएगा क्या हो रहा है, ठीक है, सर्विस का पेज ये ऐड होगा, ठीक है, लास्ट पे, तो अगर डिलीट करना चाह रहे हो तो राइट क्लिक करो और लास्ट पे जाके डिलीट कर दो, ये देखो रिमूव की ऑप्शन आ गई, रिमूव हो गया, ठीक है। अब नीचे आते हैं, नीचे वो पूछ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आपको क्या नज़र आना चाहिए, मैंने कहा अब यहाँ देखो मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या नज़र आ रहा है, मेन मेन्यू। अगर आपको टॉप बार भी आना चाहिए तो आप टॉप बार पे क्लिक कर दो, करंटली मेन, ये देखो टॉप बार पे भी ये शो हो जाएगा, अगर आप चाह रहे हो फुटर पे भी शो हो तो ये फुटर पे भी शो हो जाएगा, ये वाला जो मेन्यू है ये फुटर पे भी आ गया, ठीक है, अगर आप चाहते हो ये मोबाइल ऑप्शन में भी शो हो तो जब भी हम मोबाइल पे लेके जाएंगे तब भी शो होगा, अभी के लिए मोबाइल पे नहीं जा रहा तो इसे भी डिलीट कर रहा हूँ, टॉप बार में मुझे मेन्यू ये नहीं चाहिए मैं इसे भी डिलीट कर रहा हूँ, मुझे फुटर में भी नहीं चाहिए तो मैं इसे भी अनचेक कर रहा हूँ, ठीक है, तो अभी पब्लिश नहीं करेंगे, लास्ट पे करेंगे, मैं वापस जा रहा हूँ। तो अब मुझे चाहिए विजेट्स, विजेट्स क्या होते हैं, विजेट्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, लेफ्ट या राइट साइड पर जो से होते हैं उसे विजेट कहा जाता है, ठीक है, डिफॉल्ट विजेट्स जो से थे वो अभी बने नहीं हुए, पर जैसे ही आप कभी न्यू थीम इंस्टॉल करोगे ना तो आपको इस तरह के विजेट्स बने आएंगे, नज़र आएंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से नज़र आएगा, अभी दिखा देता हूँ, बना हुआ बन जाता है दोनों, तो एक मिनट कैलेंडर, ठीक है, इस तरह का कुछ बना होगा। तो आपने क्या करना है, जब भी आपको इस तरह की कुछ चीज़ें मिले, ठीक है, अक्सर को मिलेगी क्योंकि ये मुझे पता है कि ना आ जाना है किसी ना किसी का, जिसने न्यू इंस्टॉल किया ना उस पर आएगा, जिन्होंने डिलीट कर दिया क्योंकि हमने हर चीज़ पहले ही डिलीट कर दी थी इसलिए उसने हमें दिखाई नहीं, उसने डिलीट ही रख दी। अब ये देखो ये साइड बार आ रहा है, इसकी साइड आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है, लेफ्ट राइट इसे लेके आ सकते हो, वो बताऊंगा कैसे आना है, ठीक है। अब ये मेरे पास इतनी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट में मेरे पास कुछ इतने सारे पेजेस आ गए। अब आपने क्या करना है, आपने जब भी कोई वेबसाइट है अगर इस तरह की कुछ चीज़ें हों टेम्पलेट पे, अगर आपने ये वर्ल्ड प्रेस का ये थीम अगर आप देखें तो दिखाता हूँ, पोशन डब्ल्यू पे में जाएँ प्रीव्यू करेंगे तो ये देखें, ये देखो ये दिया हो ना, ये देखें
ये HTML लिंक वगैरह कैटेगरीज, ये सारी हम डिलीट करते हैं। ये क्या है, विजेट्स हैं, ठीक है। मोस्टली यहाँ पर विजेट्स नहीं होते, यहाँ पर लगे होंगे पर अभी शो नहीं हो रहे, अदरवाइज होंगे शो आपको, ठीक है। जब भी आप लगिन या कोई भी थीम यूज़ करेंगे आपको शो होंगे। तो आपने क्या करना है, विजेट्स पे जाना है। सबसे अगर वहाँ पर कितने विजेट्स होंगे, इसमें तो काफ़ी 5 हैं, हो सकता है किसी में कम हो किसी में ज़्यादा हो, ठीक है। तो आपने डिलीट कर देना, यहाँ पर हमने इसे क्या कर दिया, डिलीट। अब ये सारे पेजेस, सारे जो उनसे विजेट थे डिलीट हो गए। अब हम देखते हैं फुटर में तो नहीं कोई लगाओ, वन बाय वन देखते हैं फुटर में, कोई फुटर में, फर्स्ट फुटर में नहीं। ये फर्स्ट फुटर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये क्या है, ये पार्ट है। जैसे हम इसको 4 इसमें डिवाइड नहीं करते, कॉलम में करते थे 1 2 3, जैसा कि पेंट में जा रहा हूँ, पेंट में गया, ये देखो जैसा कि ये एक फुटर, ये देखो फुटर बना है, इसको 4 इसमें डिवाइड करना हो, 1 2 3 और 4, 4 इसमें डिवाइड हो। ये भी क्या है, एक 4 फुटर है, फुटर उन्होंने 1 रख दिया, उन्होंने बेसिकली नाम फुटर 1 रख दिया। तो अगर मैं यहाँ पर नेवर मेन्यू लगाना चाहता हूँ तो मैं सिलेक्ट मेन्यू, मेन्यू करूँगा, मेन मेन्यू, तो ये देखो ये यहाँ पर पहले आएगा, पहला फुटर यहाँ पर, ये देखो आ गया। अब अगर मुझे सेकंड में क्या चाहिए, कैलेंडर, तो मैं कैलेंडर में जाऊँगा, कैलेंडर किया, कैलेंडर पर गया और मैंने क्या किया, वापस आ गया। अब ये क्या गया, साइड पे कैलेंडर लगे। इधर मुझे कुछ और चाहिए तो थर्ड में जाऊंगा, थर्ड में गया और मुझे ये चाहिए इमेजेस, मेरे पास इमेजेस है नहीं है पर मोस्टली शायद लग जाए कोई इमेज, तो लगाना चाहते हो तो इमेज लगा सकते हो, ये देखो ये लगा, तो ठीक है इमेज लग गई। अब फोर्थ में गया और मैंने क्या किया, फोर्थ में जाके पेजेस मैंने रिसेंटली पोस्ट लगा ली, चलो ठीक है। और टाइटल अगर लिखना है तो लिख दो, अदरवाइज ये रिसेंटली पोस्ट। अब ये मेरा क्या बन गया, ये हमारा बन गया है फुटर्स, ठीक है। बेसिकली इतना गंदा फुटर बनता नहीं है तो हमने थोड़ा रफ बना दिया, तो ठीक है। वैसे बताने का मकसद था, सिर्फ बता दिया। अब डिलीट अगर करना है तो, अगर रहने देना तो ठीक है, अदरवाइज डिलीट कर सकते हो। तो अगर मैं जैसे ही पब्लिश करूँगा उधर भी शो हो जाएगा, ठीक है। तो अब होम पेज सेटिंग, होम पेज सेटिंग क्या था, जैसे ही अगर मैं इसकी डुप्लीकेट ले लूँ, थोड़ा सा समझाने के लिए इसको मैं डुप्लीकेट काट रहा हूँ, डुप्लीकेट किया और मैं इस पे वापस जा रहा हूँ, ये डब्ल्यू पे डिलीट करके डब्ल्यू पे एडमिन में जा रहा हूँ, ठीक है। डब्ल्यू पे एडमिन में गया। अब ये क्या था, मैं सेटिंग में जा रहा हूँ और अगर मैं रीडिंग में जाऊँ तो सेम ये चीज़ और ये वाली चीज़ सेम नहीं, ठीक है, सेम है ना, तो ये वही चीज़ है। अगर लेटेस्ट पोस्ट शो करवाना चाह रहे हो तो लेटेस्ट पोस्ट मेरे पास शो हो जाएगी, तो लेटेस्ट पोस्ट यहाँ पर बड़ी सारी बन के आ जाएगी, जो अगर मैंने एक दो बनाई होंगी, ठीक है। ये मैंने रिसेंटली पोस्ट बनाई थी वो आ गई, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ वो मुझे नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा, ये देखो मुझे पोस्ट पे ले गया, यही मैंने पोस्ट बनाई थी ना, तो ये चीज़ है। तो अभी के लिए क्लोज नहीं करना, वापस जाना, तो वापस जाने से पहले मैं इसको दोबारा वापस लेके आ रहा हूँ। स्टैटिक पेज, स्टैटिक पेज कौन सा है, मेरा होम। पोस्ट लगाना है, मैंने कहा नहीं तो पोस्ट नहीं लगाई मैं अभी के लिए, तो मैं पब्लिश कर रहा हूँ, पब्लिश किया, इसे रिफ्रेश किया, ठीक है, हमारा परफेक्ट है पेज अभी, ठीक है। तो मैं वापस जा रहा हूँ, ओके। अब हमारे पास है एडिशन सी एस एस, एडिशन सी एस एस होती है, मतलब इसमें कोई काम परफॉर्म करवाना है सी एस एस काम, ठीक है, तो वो एडिशन सी एस एस कहलाती है। तो अभी तो हमें कोई सी एस एस का काम नहीं चाहिए तो मैं इसे भी इग्नोर कर रहा हूँ। अब हमारे पास एक ऑप्शन आती है जनरल ऑप्शन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसे देखते हैं। जनरल ऑप्शन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ गई। तो पहले क्या है जनरल स्टाइलिंग, जनरल स्टाइलिंग क्या है, मतलब डब्ल्यू पी का हेडर कैसा होना चाहिए। तो उसमें हमारे पास जो कलर है जनरल स्टाइलिंग में, ये कलर है, कलर स्कीम है, ठीक है। अब हम ऊपर जब से आते हैं वो है ग्रीन, प्राइमरी कलर क्या है, कस्टमाइज फाइल, मतलब आप कस्टम फाइल भी कर सकते हो, पर अभी डब्ल्यू पी हेडर यूज़ करना है। तो अब अगर मैं इसका कलर यूज़ करता हूँ चेंज, तो क्या होता है, ये देखो कलर चेंज हो रहा है। ये क्या था, हमारा प्राइमरी होवर कलर था। अगर मैं कलर इस पर लगा रहा हूँ कुछ डार्क ग्रीन कलर लगा दो, ये ग्रीन, ठीक है। अब अगर आपने ग्रीन कलर एक चूज़ कर लिया ना, तो आपने वो ही रखना है सब पे। तो इसको कॉपी करके अपने नोट पैड में रख लो, ठीक है, परफेक्ट तरीका रहेगा। तो मुझे ठीक है, ये कलर परफेक्ट है अभी के लिए, ऑफ काम कर रहा हूँ,
तो मैंने क्या किया, प्राइमरी प्राइमरी कलर, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है, ठीक है, दो कलर होते हैं और एक होवर मेन होता है, ठीक है। अब आपने जो सा करना है, आपने प्राइमरी सेलेक्ट इसलिए करना होता है, प्राइमरी कलर वो होता है जो जिसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। तो सेकेंडरी कलर होता है होवर वाला भी, अक्सर जगह होवर को भी सेकेंडरी कलर कहा जाता है, ठीक है। पर इधर जो सा है, इधर प्राइमरी कलर यूज हुआ है, प्राइमरी कलर कलर का मतलब है कि जैसे ही मैं इस पर होवर जाता हूँ तो ये ग्रीन बन जाएगा, ठीक है, ये सारा प्राइमरी कलर है। अब होवर प्राइमरी कलर मतलब होवर पे प्राइमरी कलर क्या हो, अगर तो होवर पे प्राइमरी कलर चेंज करना चाह रहे हो तो वो भी चेंज कर सकते हो उसको, अगर कह रहे हो ब्लैक तो अभी के लिए यहाँ पर नहीं शो होगा, पर जब भी आप कोई और इस पे टैक्स वगैरह ऐड करोगे वो वहाँ पर चेंज हो जाएगा। जैसा कि अगर मैं इसके साथ वो टैग बार है ना, टैग लाइन वो लिखता होता तो इसने कलर क्या करना था, ब्लैक कर देना था। तो अभी के लिए मुझे इसका कलर ये चाहिए, ठीक है। अब मेन बॉर्डर, बॉर्डर कौन सा है, ये वाला जो बॉर्डर है ना, ये मेन बॉर्डर है आपका, ठीक है, ये वाला, ये चीज़। तो मैंने क्या किया, मेन बॉर्डर ऑलरेडी ये लाइन लगी हुई है ना छोटी सी, ये ब्रेक सी, अगर मैं चाहता हूँ इस लाइन को कलर चेंज हो जाए तो ये मेन बॉर्डर का कलर चेंज, ये ग्रीन, क्योंकि मैं ग्रीन मोस्टली कलर यूज़ कर रहा हूँ तो मैं ग्रीन ही यूज़ करूँगा। अब बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने पहले भी पूछा था तो मैंने बताया था कि बैकग्राउंड कलर क्या होता है। बैकग्राउंड कलर में हम ये वाइट है ना जो ऑलरेडी, ये जो वाइट लिखा हुआ है, ये कलर चेंज हो जाएगा। तो मैं वाइट की जगह मैं डिफॉल्ट कलर थोड़ा सा इसको वाइट देना चाह रहा हूँ, ये कलर ये हाँ ये परफेक्ट है, ये मुझे अच्छा लग रहा है तो मैंने ये लगा दिया, ठीक है। अगर बैकग्राउंड में कोई इमेज लगाना चाह रहे हो तो इमेज भी लगा सकते हो, ठीक है। अब ये जो है, ये आइकॉन क्या है, ये आइकॉन है लिंक, ठीक है, ये लिंक है, अगर आप क्लिक करते हो तो वो आपको उस पेज पे ले जाता है, तो ये क्या हुए आपके लिंक, ठीक है, ये लिंक है। तो आपने क्या करना है, लिंक का अगर कलर चेंज करना चाह रहे हो तो लिंक का कलर ब्लैक है बिल्ट इन, तो ये छोटी सी ना मेन्यू बार की बनी हुई है, बार टाइप की, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ तो ये थोड़ी सी आपको नज़र सही आएगी, ये देखो आपने इसे इसको पकड़ के स्क्रॉल ऊपर नीचे करना है, ठीक है, ये ना कह रहा होगा सर पता नहीं क्या करिए आ रही, अगर नहीं हो रहा तो इधर क्लिक करो और अप डाउन का बटन यूज़ कर लो, ठीक है, तो डिपेंड है आप पे, ठीक है। अब ये क्या था हमारा बैकग्राउंड कलर हो गया चेंज, ठीक है, हमारे पास था लिंक, मैं यहाँ पर क्लिक सिंपल कहीं पे जाके क्लिक कर दूँ। अब यहाँ पर क्लिक पे क्या है, मैं चाह रहा हूँ लिंक का कलर चेंज हो, तो लिंक में कलर मैंने क्या दिया, लिंक कलर दिया लिंक में कलर कौन सा चेंज हो रहा है, कमाल है यार, आ गया यार इसमें, आ गया, ठीक है। तो लिंक में देखते कौन सा लिंक, यहाँ पर लिंक कलर चेंज हो रहा है, पर यहाँ पर लिंक कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा, किसका कलर है ये लिंक, ये देखो ये लिंक कलर चेंज हो रहा है, ठीक है, ये देखिए ये कलर चेंज हुआ, ये लिंक कलर है, मतलब जो किसी के साथ लिंक है, इसे आप ड्रॉप डाउन भी अक्सर जगह ड्रॉप डाउन भी यूज़ होगा, तो अक्सर उन्होंने लिंक कलर दिया होगा कि ये लिंक कलर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मोस्टली ये अभी अभी के लिए ये चीज़ों को इग्नोर करते हैं क्योंकि ये चीज़ अभी ज़रूरत नहीं है, ये देखिए कलर चेंज हो रहा है टोटल, ठीक है, ब्राउन हो गया, ओके, ये कलर है, यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं लिंक कलर। तो लिंक पे होवर कलर कौन सा आ रहा है, ब्लैक, ठीक है, तो ग्रीन कौन सा रहा है, ब्लू मेरा कलर आ होगा, ब्लू कलर मोस्टली आ रहा है, वो ये वाला जो कलर मैच हो गया ना उसका कलर चेंज करें, तो होवर पे ब्लू कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर से भी बाहर जा रहे हैं, आगे बताता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि आपने अब जो मैं आपने जो आज की असाइनमेंट है उसमें आपने मेन्यू बनाना है लग्जरी सा, यार अप डाउन का बटन यूज़ कर लेना यार, वैसे नहीं आता। तो जनरल सेटिंग में अब जनरल सेटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब इसमें क्या है, इसमें आपको बताया गया है कि आपने जो मेन्यू बार है वो कैसा रखना है। अब मुझे जो मेन्यू बार है, अगर बॉक्स कह रहे हो बॉक्स में रखना है, तो अगर मैं बॉक्स में रखता हूँ तो अगर मैं इसे ये क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखो ये साइड से जगह छोड़ दी और यहाँ से जगह छोड़ दी उसने, ये बॉक्स शेप में आ गया। अगर आप कह रहे हो सेपरेट तो फिर देखते क्या होता है,
देखो सेपरेट किया है तो उसने हर चीज़ को सेपरेट कर दिया, इसको अलग कर दिया है, इसको अलग कर दिया है, इसको अलग कर दिया है। तो मोस्टली ये हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें या तो वाइट की ज़रूरत पड़ती है या बॉक्स की। तो आप मोस्टली जो आइकॉन ये बड़े होते हैं वो ना जो सी पुरानी वेबसाइटें थी ना उसमें हम बॉक्स वगैरह यूज़ करते थे, अब उसमें ऑलरेडी उसकी विड्थ सेट की हुई है। अगर आप चाह रहे हो तो मैं थोड़ी सी नहीं सेट करना चाह रहा, तो आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। तो अब ये कंटेंट है, कंटेंट विड्थ कितनी होनी चाहिए, कंटेंट मतलब ये कंटेंट लिखा हुआ है इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, तो टोटली 72 है। तो अगर ज़्यादा करना चाह रहे हो, मतलब अगर ज़्यादा लंबा लेना चाह रहे हो उस कंटेंट में, तो आप ज़्यादा मतलब ये चीज़ें, ये जो चीज़ें हैं अगर पीछे लेके जाना चाह रहे हो तो आप इसकी विड्थ ज़्यादा कर सकते हो। ऑलरेडी वो 72 में है तो हमें ज़रूरत नहीं है, तो मैं नीचे आ रहा हूँ। अब एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब दोबारा आ गया, पेजेस ले आओ। पेजेस ले आओ क्या है, मैंने अभी आपको कहा था ना कि आपका मेन्यू बार लेफ्ट साइड पे भी हो सकता है। ये जो सा थीम था ये मल्टीपल पर्पज़ के लिए था, इसलिए उसने हमें पेज ले आउट दिया हुआ है, ठीक है। तो पेज ले आउट, पेज ले आउट का मतलब कि ये फुल विड्थ है, अब ये फुल विड्थ हो गई है। अब इसके साइड पे कुछ भी जो भी आ रहा है वो इसे इग्नोर कर रहा है। अगर ये देखा जाए, ऑलरेडी ये लेआउट थी राइट साइड बार है, ये देखो यहाँ राइट पे साइड बार है। अगर आप चाह रहे हो लेफ्ट पे साइड बार आए तो आप ये वाला यूज़ कर लें, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो बोथ साइड पे साइड बार आए, अक्सर वेबसाइट ये थी एक उनमें दोनों साइडों में साइड बार आ रहा था तो उसके अंदर वाले हिस्से में टेक्स्ट था, तो आप ये वाला यूज़ करेंगे लेआउट। लेआउट का मतलब अगर यहाँ पर मैं साइड बार होता, अभी मैंने डिलीट कर दिया, अगर ये साइड बार होता तो यहाँ पर आपको नजर आना था और कुछ यहाँ पर नजर आना था, ठीक है। पर अगर आप चाह रहे हो कि मुझे साइड बार नहीं चाहिए, मुझे लेआउट चाहिए, मुझे सिर्फ सिंपल वेबसाइट चाहिए, मुझे उस पर साइड बार नहीं चाहिए, तो आप फिर ये फुल विड्थ वाला यूज़ करें। अदरवाइज ये लेआउट लाजमी, ये लेआउट यूज़ कर लें, क्योंकि राइट साइड पे हमें मोस्टली कभी ना कभी ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। फिर हमें लेआउट यूज़ वो करना पड़ता है, ख़राब हो जाता है हमारा लेआउट, तो इसलिए ये बेस्ट है अभी। तो मैं नीचे आ रहा हूँ, मोबाइल साइड बार, वो कह रहे हैं मोबाइल पे साइड बार लेके आना चाह रहे, तो मोबाइल पे हमें ज़रूरत नहीं पड़ती साइड बार की, तो मोबाइल साइड बार आ रहा है। अब पूछा है रिसर्च पोर्ट पास पर पेज, तो इसे ये भी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सब, अब ये ओपन ग्राफ है, ओपन ग्राफ अनेबल, ओपन ग्राफ चेक कर लेते हैं क्या चीज़ है, मैंने खुद नहीं देखी, न्यू चीज़ ऐड की उन्होंने, तो ऐसे देख लेते हैं, क्योंकि ये इसमें मॉडिफिकेशन करते रहते हैं ना, देख लेते क्या चीज़ है, कुछ समझ नहीं लगी, ठीक है। तो इसे वाले को इग्नोर कर देते हैं, और भी बहुत सारी फंक्शनलिटी है तो ये देखनी पड़नी है हमें, तो जब थक रहे हो तो बता देना, ब्रेक ले लेंगे, क्योंकि काफ़ी बढ़िया है चीज़ें सीखने वाली। अब पेज टाइटल, पेज टाइटल कौन सा होता है, पेज टाइटल ये जो होम पेज लिखा है ना ये पेज टाइटल होता है, तो पूछना कितना देना चाहिए, ठीक है। तो शो ऑन ऑल डिवाइस, मैंने कहा ओनली शो ऑन ऑल डिवाइस, ओनली हिडन ऑन टैब, हिडन ऑन टैब ऑन मोबाइल, मैंने कहा जो सा ना हमारा हिडन हो जाए, ये जो चीज़ है हिडन हो जाएगी टैब में और मोबाइल में, ठीक है। डिफ़ॉल्ट साइड, मोस्टली डिफ़ॉल्ट ही जाने देना स्टाइल, ठीक है। तो अब पैडिंग पूछ रहा है, टॉप पैडिंग और बॉटम, ये देखिए अगर मैं ये जीरो कर रहा हूँ और ये जीरो कर रहा हूँ, देखो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा हमारा। तो अदरवाइज ये चीज़ की अगर ज़रूरत है आपको तो रहने दें, जिधर तक जस्ट करना है उधर तक रहने दें, अगर नहीं ज़रूरत तो कोई इशू नहीं है, इसे हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अदरवाइज मुझे, अगर मुझे नहीं इसकी ज़रूरत तो मैं इसे रिमूव ही कर दूँगा टोटल। अब बैकग्राउंड कलर है, इसका बैकग्राउंड कलर ये इस वाले का, अक्सर वेबसाइटों में ये लगा होता है, अक्सर में नहीं लगा होता, आप पे डिपेंड करता है आप लगाना चाह रहे हो नहीं लगाना चाह रहे हो, देखो। अगर रिमूव करना चाह रहे हो तो रिमूव कर सकते हो, तो मुझे ये ग्रीन ही चाहिए, ठीक है, तो मैंने ग्रीन लगा दिया। अब इसका टेक्स्ट कलर क्या करना चाहिए, मैंने कहा टेक्स्ट कलर इसका हो जाए वाइट, अच्छा लगेगा इसमें वाइट, ठीक है। अब ये हो गया हमारा पास ये चीज़, तो अब बेसिकली इसको भी इसने होना चाहिए था चेंज, पर नहीं हुआ, देख लेते हैं कि इस नीचे वाली ऑप्शन होगी नीचे जाके। तो उसके बाद ब्रेड क्रम, ब्रेड क्रम होता है, अगर वेबसाइट में दिखाऊं तो ब्रेड क्रम आपका होता है, जैसे ये देखो ये होम, उसके साथ वर्डप्रेस आ रहा है, ठीक है, ये क्या है ब्रेड क्रम है, ठीक है। तो अगर अनेबल करना चाह रहे तो ठीक है, मुझे नहीं चाहिए ब्रेड क्रम, शो आइटम टाइटल बार, ठीक है। अब पोजीशन पूछ रहे हैं, ठीक है, तो आ गया, तो अगर ब्रेड क्रम की
ब्रेड क्रम की अगर ऑप्शन सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पर एक और ऑप्शन आ जाएगी पोजिशन, पोजिशन एब्सोल्युटली राइट हो और अंडर टाइटल हो, मतलब टाइटल के नीचे यहाँ पर आए या एब्सोल्युटली राइट हो, राइट साइड पे हो, ठीक है। तो आपको मुझे चाहिए नहीं तो मैंने डिलीट कर दिया अभी पहले, अगर चाहिए हो तो आप एनेबल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है होम आइटम सिर्फ आइकॉन लगाना है इसके साथ या नहीं लगाना, तो मुझे भी इसके साथ कुछ भी नहीं चाहिए, टैक्सी चाहिए सिर्फ, तो मैं वापस आ रहा हूँ। अब स्क्रॉल टू टॉप, मतलब जब स्क्रॉल हो आपने वेबसाइट अगर कोई देखो, तो यहाँ पर तो नहीं है इसमें, इस वेबसाइट पे कोई और वेबसाइट देखो, हाई टेक में चल जाते हैं। अच्छा इन्होंने भी लगाया होगा, चलो कोई तो आ जा, ये जैसा ये लगा हुआ है ना, ये देखो, ये देखो, ये छोटा सा आइकॉन ये बनाया ब्लैक कलर का, ये देखो राइट क्लिक कर रहा हूँ तो ऊपर चले जा रहे हैं, ये क्या है स्क्रॉल बार है, ये देखो क्लिक किया कि ऊपर चला गया, ठीक है ये स्क्रॉल बार है। अगर वो कह रहे हैं ये लगाना चाह रहे हो तो उसमें क्या होना चाहिए, तीर का निशान हो क्या हो, अगर नहीं कोई लगाना चाह रहे तो इग्नोर कर दो, मैं चाह रहा था कि ये नजर आए एक, ये अच्छा लगता थोड़ा सा, ठीक है। अब वो पूछा किस साइड पे, ये यहाँ पर राइट साइड, लेफ्ट साइड पे या यहाँ पर, मैंने कहा राइट साइड पे, ठीक है। पोजीशन क्या हो, उसने पोजीशन की एडजस्टमेंट की है, सबसे पहले तो उसका कलर चेंज करते हैं, बैकग्राउंड कलर उसका कर देते हैं ताकि हमें नजर आए कहाँ पर लगा है, ये ग्रीन ही कर देते हैं, हम ग्रीन ही यूज़ कर रहे हैं तो ग्रीन, बैकग्राउंड कलर ग्रीन किया, ओवर कलर उस पर कर देते हैं थोड़ा सा ये वाला, उसके बाद उसका टेक्स्ट का कलर वगैरह ये वो आएगा, ठीक है वो वाइट ही रहने देना है, तो ये नीचे देख लो टेक्स्ट कलर, कलर जब आ रहे मतलब आपका टेक्स्ट कलर, ठीक है ये तो आपको यहाँ तक तो कन्फर्म है, तो ये मैंने यही सिलेक्ट किया और स्क्रॉल अप ऑफ कर दिया, तो ये यूज़ हो गया। अब पेजिनेशन, पेजिनेशन को अभी ज़रूरत नहीं है, पेजिनेशन होती है जैसा कि एक ये गूगल खोला है, गूगल में कुछ भी ऐप लिखता हूँ तो ये लास्ट पे जो पेज ये लिखे हुए ना 1 2 3 गिनती, ये पेजिनेशन आपकी, ठीक है। तो अभी के लिए ज़रूरत नहीं है पेजिनेशन, थीम बटन की भी ज़रूरत नहीं है, 4 एरर पेज की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी क्या होती है, टाइपोग्राफी का मतलब होता है, टाइपोग्राफी का मतलब होता है आपकी जो टेक्स है, बिल्ट इन टेक्स जो होता है वो क्या होना चाहिए। तो टाइपोग्राफी इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम हर वेबसाइट में एक से एक या दो फॉन्ट ही यूज़ करते हैं मोस्टली, ठीक है। मतलब अगर आपने रोबिक हो गया, कम्बो, रोबोट, अगर इस तरह के कोई यूज़ करते हैं, एक से दो ही यूज़ करते हैं मोस्टली वेबसाइटों में, ज़्यादा नहीं होते, दो मैक्सिमम दो होंगे, ठीक है। इसलिए अब जनरल सेटिंग में गया, अब पूछ रहा है कौन सा आपने सेलेक्ट करना है इसमें, तो लैटिन, ठीक है लैटिन भी ठीक है, तो अगर और भी लगाना चाह रहे हैं वो भी लग जाएगा। तो बॉडी में पूछ रहा है, अब बॉडी में पूछ रहा है कि कौन सा कलर डिफॉल्ट रखना है, ये इतने ज़्यादा कलर आ रहे हैं तो मुझे चाहिए रोबिक, ठीक है रोबिक कलर मुझे चाहिए। अब ये देखो कलर चेंज हुआ, ये सबके टेक्स्ट बॉडी है ना, बॉडी में सबके टेक्स्ट चेंज हो गए, टोटल बॉडी में दे दिया। अब डिफॉल्ट पूछ रहा है कितना होना चाहिए, थीन, लाइट, बुक, जो हमने कलर सिलेक्शन की थी वो सारी निकल जाएगी, वो कलर सिलेक्शन है, ये टाइपोग्राफी है, टाइपोग्राफी मतलब कलर नहीं आ रहा इसमें, इसमें आ रहा है कि टेक्स्ट कौन सा किस तरह का होगा, फॉन्ट साइज, जिसे फॉन्ट कहते हैं ना हम, ठीक हो गया, हाँ वो है जी, हाँ जी, हाँ मैं कह रहा हूँ कि ये बोल्ड हो गया थोड़ा सा, तो ये देखो बोल्ड हो गया, ये देखो सारे बोल्ड हो गए, पर मुझे बोल्ड अच्छा नहीं लग रहा, मुझे थोड़ा सा नॉर्मल 14 परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। और ये देखो ये सारा चेंज हुआ है। अब वो पूछ रहा है नॉर्मल हो या टैलिक हो, अगर टैलिक करता हूँ तो ये टैलिक हो गया सारे, क्योंकि ये बॉडी का मैं कर रहा हूँ ना तो टैलिक हो गया, तो नॉर्मल। अब ट्रांसफार्मर मैं कहता हूँ अपर केस, ये सारे अपर केस में आ जाएंगे, ठीक है। और क्या कर रहा है, ठीक है तो इसकी ये माउस से चलने वाली है, ठीक है नीचे आ रहा हूँ। अच्छा अब पिक्सल साइज़ क्या ले रहा है, पिक्सल साइज़ मेरे मुताबिक तो परफेक्ट है, अगर आप चेंज करना चाह रहे हो तो चेंज कर सकते हो, पर मेरे मुताबिक 14 परफेक्ट था। अब लाइन हाइट कौन सी है, ये देखो ये लाइन हाइट, ये लाइन जो उनकी हाइट ज़्यादा करनी है। लेटर स्पेस होता है ये होम O M E के दरमियान जो लेटर स्पेसिंग है ये वाली ज़्यादा करनी है,
ये देखो ये लेटर स्पेसिंग ज़्यादा हो रही अभी के, ये होम की क्यों नहीं हो रही, इसके लिए उन्होंने अलग से पोर्शन बना दिया है मेन्यू का, ठीक है, वो भी इसके अंदर ही ऑप्शन होगी, इसलिए मेन्यू क्यों नहीं अभी हो रही, ये बॉडी की हो रही है सिर्फ, ठीक है। उसके बाद अब फ़ॉन्ट कलर कह रहे हैं, बैकग्राउंड फ़ॉन्ट कलर क्या होगा, फ़ॉन्ट ये कलर चेंज हो रहा है फ़ॉन्ट कलर, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया ये कंप्लीट। अब टाइपोग्राफी में हर पार्ट लेता है, जैसे आल हेडिंग है, आल हेडिंग कौन सी, होम पेज की वाली हेडिंग, ये आल हेडिंग है, ठीक है। तो आल हेडिंग की अगर सेटिंग करना चाह रहे हो तो बोल्ड कर दो और टैलिक कैपिटल, ठीक है, कैपिटलाइज पर अपर किया, ये आल हेडिंग है, ठीक है। तो अगर ये जो सा था, ये था हमारा H1 का, अगर आप एडजस्ट करना चाह रहे हो कि H1 में ये हेडिंग हो, H2 में ये हो, H3 में ये हो, H4 में ये हो, तो आपने अपने मुताबिक उसे एडजस्ट करना है, ठीक है। तो ये सिर्फ थोड़ा सा लेक्चर इम्पोर्टेंट है, इसके बाद ये जिसने अच्छी तरह कर लिया ना, मेरे ख्याल एक आपको एक आधा घंटा लगेगा, और आपने ना इस पर काफ़ी अच्छी एक चीज़ को बेसिकली अप्लाई, तो वो खुद ब खुद हो रही है, और आपको थोड़ी देर लगेगी, आपने परफेक्ट करने लग जाना है, ठीक है। H1 की हेडिंग बिल्ट इन 23 है, तो 29 कर रहा हूँ, 40, ठीक है, तो ये 40 हो जाएगी H1 की हेडिंग, ठीक है। लोगो, लोगो की अब लोगों में ये चीज़ लगी, लोगो में है मेरे पास, तो मैं कह रहा हूँ कि लोगो को नॉर्मल टैलिक कर दे, इसकी हेडिंग थोड़ी सी 34 कर दे, नहीं 34 कर दिया, ठीक है, तो जहाँ उसके लोअर केस कर दिया, उसी तरह से बना दिया, ठीक है। ये देख लेना, अब टॉप बार आ गया, टॉप बार कौन सा, ये वाला टॉप बार, टॉप बार में क्या क्या फैसिलिटी है, सेम फैसिलिटी है, टॉप बार कैसा होना चाहिए ये देखो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने खुद देख लेनी है, क्योंकि ये टाइपोग्राफी है, टाइपोग्राफी होती है फोन साइज वगैरह। मेन मेन्यू, अब मेन मेन्यू का पहले चेंज नहीं हुआ था ना बॉडी से, अब मेन मेन्यू का क्या था, उन्होंने एक अलग बना दिया हुआ, मैंने कहा था ना एक अलग बनाया हुआ उन्होंने, तो अब मेन मेन्यू का एक अलग बना दिया है, ये देखें, ठीक है। तो इसको मुझे 14 से इसकी चाहिए, 70 ज़्यादा है, 15 भी ठीक है, सॉरी 14 भी ठीक है, 14 परफेक्ट है। तो इसको थोड़ा सा मैं बुक कर रहा हूँ, बुक भी नहीं ठीक लग रहा मुझे, नॉर्मल ठीक लगेगा, ये नॉर्मल परफेक्ट है, ठीक है। लेटर स्पेस इसकी ज़्यादा करना चाह रहे हो तो लेटर स्पेस इसकी ज़्यादा कर सकते हो, लेटर स्पेस भी ठीक है, ओके, तो ये परफेक्ट हो गया। तो अब मोबाइल पे है ड्रॉप डाउन कौन सा, ये वाला जो खुल रहा है, इसकी अगर सेटिंग करना चाह रहे हो तो इसकी नॉर्मल कर दो, इसे मीडियम कर दो, ये देखो ये खुलेगा, मीडियम आएगा, ठीक है। तो डिफॉल्ट जो सर इसका है ग्रोजियस कर दो, ये देखो इसका चेंज हो गया, इसका कुछ और है, ऊपर नीचे कोई और है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देख ली टाइपोग्राफी में, ठीक है। अब टॉप बार कौन सी, ये वाली जो प्लेस योर कंटेंट। अब टॉप बार में हम जा रहे हैं, टॉप बार में हमारे पास तीन ऑप्शन आ रही है, जनरल में क्या है, पहले तो है टॉप बार एनेबल करना चाह रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं देना चाह रहे तो हिडन कर दो, बात ही खत्म कर दो इसे, चले जा, चला गया, ठीक है, एनेबल हो गया, निकल गया। अगर नहीं करना चाह रहे तो लगाना चाह रहे हो तो इसको क्लिक करो, ठीक है, इसे क्लिक किया, आ गया। अब इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है लेफ्ट कंटेंट एंड राइट सोशल आइकॉन, ठीक है। मैं कह रहा हूँ लेफ्ट पे आइकॉन हो और राइट पे कंटेंट हो, अपनी मर्जी है ना। और उससे पूछ रहा है कि इसकी हाइट क्या हो, तो टॉप से मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा करूँ, बड़ा करूँ, ठीक है, थोड़ी सी ज़्यादा देना चाह रहा हूँ हाइट, पर बेसिकली 10 ठीक था वो पहले भी। इसका बैकग्राउंड कलर मेरे पास, मैं ग्रीन करूँगा। ग्रीन क्यों करूँगा, क्योंकि नीचे भी ग्रीन है और ऊपर भी ग्रीन है, थोड़ा सा मैं उसको कह रहा हूँ कि ग्रीन कलर ही मुझे चाहिए, तो मैं ग्रीन ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ग्रीन हो गया। अब यहाँ तक सेलेक्ट हो गया। अब बॉर्डर कलर बिल्ट इन ठीक है, मोस्टली ठीक है वैसे तो, ठीक था वैसे, वाइट भी बॉर्डर कलर चाहिए नहीं। टेक्स्ट कलर इसके अंदर ये थोड़ा सा लाइट है तो मुझे वाइट चाहिए, तो वाइट ठीक है। तो कलर स्कीम अभी देखेंगे सारा टोटल। लिंक जो उसे मतलब कह रहे हैं लिंक लगे होते हैं उस पर, वो कलर कौन से आपको चाहिए तो लगाने हैं तो लिंक कलर दे दो, अदरवाइज मैं अभी जा रहा हूँ यहाँ से वापस। सॉरी यार, ये मुझे लग रहा है मुझे माउस यूज़ करना पड़ रहा है, चलती नहीं नहीं पर क्या है यार ये, यहाँ ये देखो, यहाँ पर नहीं क्लिक करना ना, यहाँ ये देखो यहाँ पर नहीं क्लिक करना, आपने यहाँ पर क्लिक करना है,
यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, उसे क्या होगा कि आप इजीली स्क्रॉल अप स्क्रॉल कर सकते हैं, नहीं तो मेरी तरह आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो ये वापस जा रहा हूँ। अब कंटेंट है, कंटेंट की उसने पूछा कि कंटेंट में क्या देना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम अक्सर कह देते ना फ़ोन नंबर 0300 5 7। ठीक है, ये फ़ोन नंबर एक दिया। अगर अगर इसके साथ आप स्पेस देना चाहते हो तो बेसिकली स्पेस आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि HTML है। तो मैंने उसके लिए एक आपको चीज़ बताई थी, एंड नहीं आ रहा, एंड नहीं लग रहा, उसने यूज ही नहीं करने रखा हुआ। एक मिनट, क्या कह रहे हो, क्या कहा अभी? हाँ बताता हूँ मैं, वही तो बताना चाह रहा हूँ। एक एंड नहीं लग रहा अभी, क्या लग रहा है? एंड से स्टिल हो गया। स्टिल हो गया, आपने स्टिल कर दिया अभी के लिए। आई डोंट नो क्यों स्टिल किया इसने। स्टिल क्यों किया है?